औसत लिंग कितना लंबा होना चाहिए? डेफिनेटली आप सोचते हैं उतना लंबा नहीं होना चाहिए। लिंग के साइज के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लिंग के लंबाई के बारे में काफ़ी लोगों को गलतफहमियाँ हैं, स्पेशली पॉर्न वीडियोज देख के, उसमें के एक्टर्स एक्ट्रेस देख के उनको ऐसा लगता है कि उनके 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच है और अपना वो छोटा है। वैसे ही लोग कॉमन पेशाब के स्थल पे जब जाते हैं, मतलब टॉयलेट्स में जाते हैं, कॉमन टॉयलेट्स है, वहाँ जब एक दूसरे का देखते हैं तो उनको लगता है कि अपना छोटा है और फिर वहाँ से वो परेशान बन जाते हैं। वैसे ही फिर वो पूछेंगे अपने औरत को कि क्या तुमको मज़ा आ रही है, क्या तुमको मज़ा आ रही है? नहीं ना, मज़ा तो नहीं आ रही ना, क्या बता? फिर वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, उसने कभी ना बोल दिया कि मज़ा नहीं आई तो उनको लगता है कि डेफिनेटली अपना लंबाई जो है, अपनी आकार जो छोटा है और अभी मैं कुछ काम का नहीं रहा हूँ। एक्चुअली लिंग की लंबाई जो है वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड रहती है। टेस्टोस्टेरोन की लेवल क्या है, बाकी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन कितना है उसके ऊपर है। मेंटल बैलेंस आपका कैसा है, मतलब आपको क्या एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, मतलब मेंटली आप स्ट्रेस में है कि रिलैक्स्ड हो। फिर आपका कद कितना है ना, ऊंचाई कितनी है आपकी। फिर आपका जेनेटिक फैक्टर भी उसमें बहुत गेम खेलता है, वो भी महत्व का है। वातावरण, ठंड का वातावरण, ठंड काल में है तो आपको डेफिनेटली छोटा हो जाएगा, उष्ण काल में बड़ा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की दवा चालू है, ब्लड प्रेशर है तो छोटा दिखेगा। डायबिटीज मलाइटस में छोटा होता है और उम्र के हिसाब से साइज छोटा होता रहता है, तो ये कारण छोटे होने के। पायरोनिस डिसीज, मतलब फाइब्रस बैंड टायर होता है और लिंग ऐसा हो जाता है, तो ये पॉसिबल है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि वो छोटा क्यों है। फिर कितना छोटा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, तो 20, मैं आपको बता रहा हूँ, 20 स्टडीज, अलग अलग जगह पे 20 स्टडीज़ किया, 15,000 पुरुषों की जांच की गई और 15,000 पुरुषों की जांच 20 अलग अलग स्टडीज में जब की तो उसमें से ये निकल के आया कि करीब करीब ढीलेपन में 3.6 इंच एवरेज लंबाई रहती है, 3.6 इंच अर्थात 9.1 सेंटीमीटर वो स्टडीज में। और वो नापा कैसा उन्होंने कि प्यूबो पेनाइल जंक्शन जो है, मतलब जहाँ पेनिस प्यूबिक बोन को हिट करता है एकदम अंदर तक, वहाँ से नाप लिया। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर चमड़ी के ऊपर से ले रहा है, अंदर तक जहाँ हड्डी तक मतलब जाके उन्होंने देखा तो वो 3.6 इंच उनको दिखा। और स्ट्रेच जो है या इरेक्ट है तो उसमें उनको दिखा 5.1 इंच अर्थात 13.1 सेंटीमीटर और गोलाई में, सरकमफरेंस में 3.6 इंच टू 4.6 इंच मतलब ही 9.3 सेंटीमीटर टू 11.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली ये सरकमफरेंस में दिखाई। मगर इसमें न जाते हुए ये देखना चाहिए कि भाई एक्चुअली पेनिस का इरेक्ट करने का, लंबाई का उद्देश्य क्या है। इरेक्ट होने का उद्देश्य है कि सेक्स करते आना चाहिए। और सेक्स करने में, सेक्स क्यों करता है आदमी? सेक्स इसलिए करता है, उसको मज़ा आती है, एक्साइटमेंट आती है, मज़ा आती है, वो एक इंस्टिंक्ट है, मतलब वो ज़रूरत है, नीड है बॉडी की। और प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा करना पड़ता है इसलिए भी सेक्स करना पड़ता है। तो फिर ये एक्टिविटी यदि आप प्लेजर के लिए करते हैं तो भाई मुझे आनंद मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, एन्जॉयमेंट आना चाहिए, और प्लेजर के लिए एक्टिविटी है तो लंबाई मैटर करती ही नहीं है। प्लेजर यदि देना है खुद को या प्लेजर देना है औरत को, तो औरत को प्लेजर देने के लिए योनि लिंग रहता है, क्लाइटोरिस। वो क्लाइटोरिस को आप स्टिमुलेट करते, मतलब योनि ऐसी है तो उसके ऊपर ऐसा रहेगा, उसको आप स्टिमुलेट करते हैं उंगली से, पेनिस से, कोई भी वाइब्रेटर से, तो उसमें वो स्टिमुलेशन में औरत को जितना मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता। औरत को अंदर योनि में 1 से 1.5 इंच ही सेंसेशन रहता है, मतलब आपका समझो साइज 5 इंच भी है, 5 इंच, और वो अंदर डालने के बाद में आपने पूछा कि कितना इंच लग रहा है आपको, तो बोलेंगे 1.5 इंच। क्यों? क्योंकि 1.5 इंच के अंदर उसको सेंसेशन ही नहीं है, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता कितना है। इसका मतलब ये हो गया कि प्लेजर के लिए औरत को लंबाई मैटर करती नहीं है, प्लेजर के लिए क्लाइटोरी स्टिमुलेशन मैटर करता है। ये आपने पक्का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, आपको जब गिनना ही है तो आपने और एक बात है महत्व की, वो है कि भाई बाल निकालो, साफ सुथरा करो और अंदर तक गिनो। क्या होता है बालों में समझता भी नहीं है, बराबर नाप रहे कि नहीं, और बहुत बार कम लगता है इसलिए कि वहाँ फैट है, बहुत चर्बी जमा हुई है पेनिस के ऊपर और वो पेनिस उसमें दब जाता है। तो वजन कम करो, फैट कम करो, तो आपको लंबा दिखेगा। हरदम फोकस ऑन प्लेजर एंड नॉट ऑन साइज। आप रेगुलरली कीगल्स एक्सरसाइज करते हो, कीगल्स एक्सरसाइज मतलब पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है
जो मेरे अलग वीडियो है, तो उससे भी पेनिस का साइज लंबा हो सकता है। अदरवाइज आप वैक्यूम पंप लेते हो, और वैक्यूम पंप क्या करता है कि इसमें जैसा पेनिस है उसके ऊपर डाल दिया, उसमें अपन जब हवा निकालते हैं उसकी, तो वैक्यूम क्रिएट होता है और वो खींचता है ब्लड अंदर और लंबा हो जाता है। तो आप रोज़ वैसा करते हैं तो फ़ायदा हो सकता है। नंबर दो, आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास में, जैसे मैंने पिछले इसमें बताया था कि हमारे पास में अलग अलग आयुर्वेदिक ऑयल है, तो आप वो ले सकते हैं। और वो ऑयल ऐसे 4-5 बूंद डाल के, ये दो उंगलियां मतलब इंडेक्स फिंगर और ये थंब, ऐसा उसको यदि जैसा गाय का दूध निकालते हैं, भैंस का दूध निकालते हैं, तो ऐसा आप ये कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली, और बाहर उसको खींच रहे, बाहर खींच रहे, बाहर खींच रहे, ऐसा करते करते करते, और रोज़ ऐसा कर रहे हैं, तो हो सकता है फ़र्क पड़ेगा, गारंटी नहीं है। मैं एकदम, जो लोग बहुत बार आते हैं तो उनको मैं बोलता कि भैया आप थोड़े इसमें टाड़ाला फिल ले लो। अब जब टाड़ाला फिल घुल लेते हैं 2.5 मिलीग्राम, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो बढ़ता है, उसको ज़रा अच्छा लगने लगता है। मगर लोग इतने पॉजिटिव है साइज़ के बारे में। अभी मेरे पास में कुछ दिन पहले एक लड़का आया था 35 साल का, उसको दो बच्चे हैं, कुछ भी 5 साल का 2 साल का ऐसे बच्चे हैं, और वो बोल रहा है कि मेरा छोटा है। मैंने कहा ये भाई तेरा यदि छोटा रहता था तो ये बच्चे तेरे को होते थे क्या? बच्चे हुए इसका मतलब ये तो फुल प्रूफ है ना कि आपका बराबर है। नहीं, बोले मेरा छोटा है। मैं भाई तुमको ऐसे मजाक में कभी कभी मैं बोलता रहता हूँ लोगों को कि भाई ये बच्चे तेरे हैं ना कि और किसके? नहीं नहीं, बोले आप क्या बात कर रहे हैं। मतलब जब आप तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हारा अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मेरा साइज़ भी बराबर है। यदि साइज़ छोटा रहता तो बच्चे होते नहीं थे। कुछ कभी कभी क्या होता है कि 60-65 के लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा जो मतलब पेशाब करने के समय जो पेशाब की धार है वो पैर के ऊपर गिरती है, पैंट के ऊपर गिरती है, और ढील पर वो गिल्ली हो जाती है, अच्छा लगता है, तो बाद में बास भी आता है। सो दैट इज़ बिकॉज स्मॉल साइज। क्या होता है कि ओल्ड एज में वैसे ही श्रिंकेज हो जाता है, पेनिस का छोटा होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है। तो उसमें मैं हरदम टाड़ाला फील प्रिस्क्राइब करता हूँ, ताकि फिर लोग आके बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमको अभी इतना सुकून हो गया है कि भाई हमारी पेशाब जो है वो पैंट के ऊपर नहीं गिरती या पैर के ऊपर नहीं गिरती, वो बाहर जाती है। तो वो भी एक टाड़ाला फील का उपयोग है पेशाब की धार बाहर जाने के लिए, और उसमें थोड़ा इरेक्शन भी उनको आते रहता है। तो ये सब है, वैक्यूम पंप है, ऑयल है, और अभी एक नया स्प्रे आया हुआ एक्सोरॉन नाम का, वो स्प्रे भी आप यदि मारते हैं तो लोकल स्प्रे है वो मारते हैं, तो डेफिनेटली लिंग के साइज़ में फ़र्क पड़ सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।